तो कॉन्टिन्यूटी में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। पर टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन क्या, देखो जैसे अगर बोला जाए इफ एफएक्स सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। क्या हो गया, इफ एफ एक्स सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, देन प्रूफ दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरी पॉइंट इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या बोला गया है, एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। रिलेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एक गिवेन दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब मेरे को प्रूफ करना है कि एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, साथ ही साथ एफ एक्स जो मेरा है कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स एक तरह से यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और तुमको प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, ठीक है। अब तुम क्या करेंगे, सब इस क्वेश्चन को करना क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, दिस इज इक्वेशन वन इज गिवन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो गिवन दे रखा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स देखो, अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपल सी बात है, उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होगा। हम लोग बोल सकते हैं इससे बोल, लिमिट एक्स अगर मान लिया जीरो की तरफ जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो होगा, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मीन्स एक तरह से दो इन्फॉर्मेशन दे रखा। अब मेरे को प्रूफ करना कि एफ एक्स मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे। अब देखो, अगर एफ एक्स हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है एवरी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो अब हर इन्फाइनाइट पॉइंट पे हर जगह निकालते तो हम लोग नहीं रहेंगे कि हर पॉइंट पे, मतलब जितना इन्फाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट वन पे, पॉइंट जीरो जीरो वन पे, पॉइंट टू पे, पॉइंट टू पॉइंट मतलब 2.4 पे, या 7.9 पे, या 8 पे, इस तरीके से हर पॉइंट पे मेरे को तो अब कंटिन्यूटी चेक करने की तो ज़रूरत नहीं है। करते रहोगे तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं, सपोज अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ पॉइंट लेते हैं। उस पॉइंट पे अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरल पॉइंट है जिस पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, दैट मीन्स हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा, इतना काम करना। तो मैं एक काम करता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ, मैं प्रूफ क्या करता हूँ, जनरल पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। अगर सपोज एक्स मान ली बीटा की तरफ जा रहा है और एफ एक्स है, अगर ये एफ बीटा के इक्वल है, प्रूव इट मीन्स अल्टीमेटली मेरे को ये प्रूफ कर देना है कि अगर एक्स बीटा की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अगर मैं कर दूँ, ठीक है, मीन्स बीटा एक जनरल पॉइंट है तो उसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो काम करते हैं, जैसे अब देखना इस जगह पे कि जैसे एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, लिमिटिंग एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स में लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे एक्स कहाँ, बीटा की तरफ जा रहा है। तो हम लोग काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। एक्स को क्या करते हैं, बीटा प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, तो एच कहाँ चला जाएगा मेरा, एक्स माइनस बीटा की तरफ, और एक्स माइनस बीटा कहाँ चला जाएगा, एक्स माइनस बीटा चला जाएगा जीरो की तरफ। मीन्स एक्स पहले बीटा की तरफ जा रहा था ना, हमने क्या किया, तो एच कहाँ चला जाएगा, ऑफकोर्स एच में जीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस बीटा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच प्लस बीटा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिमिट एच मेरा कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, हमने एक्स में क्या लिखा, एच प्लस बीटा इक्वल टू एफ बीटा आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे अब तुम ध्यान से देखना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तब एच को तुम एक्स की तरह ट्रीट करो यहाँ पे, और वाई बीटा की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको मैं बोल दिया एफ एच प्लस एफ बीटा, ठीक है। मैं लेफ्ट वाले पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
अब एक काम करते हैं कि हमको पता है कि अगर जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रहा और अगर फंक्शन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं आता तो हम लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर सकते थे, ठीक है, बात हम सबको पता है। मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको अलग अलग दो पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ बीटा, एच हो गया, ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये चीज़ है कि ठीक है, ये कहाँ जा, अब सिंपल सी बात है, ये तो एग्जैक्ट एफ बीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा ये चीज़, एग्जैक्ट एफ बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा का टर्म तो है ही नहीं, सॉरी एच का टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया ये चीज़, दिस इज मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच प्लस एफ मेरा बीटा आ गया इधर, ठीक है। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये चीज़ है, अगर देखो अब हम लोग इक्वेशन टू का यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन टू में क्या दे रखा है, अगर सपोज लिमिट एच सॉरी एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, तो वही अगर मैं सपोज यहाँ पे एच एक्स को एच से रिप्लेस कर दो, एच जीरो से जाएगा तो एफ एच किसके बराबर है, एफ जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, चीज़ एफ जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एफ जीरो प्लस एफ बीटा। अब ध्यान दो, जैसे अगर दिस इक्वल टू दिस मीन्स दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, फिर बोल सकते हैं दिस प्लस दिस इक्वल दिस हो जाएगा, रिवर्स से भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एफ जीरो प्लस एफ बीटा आ गया तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस बीटा विच एफ बीटा। तो हमने प्रूफ कर दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है सो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो हिंस हमने प्रूफ कर दिया कि मेरा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमने एक जनरल पॉइंट लिया था। यहाँ से क्या हो गया, हिंस प्रूफ प्रूव्ड प्रूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ सभी क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ऐसे ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है ना, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। है ना, इससे पहले जितना कुछ बताया गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या चीज़ है, जैसे दो टाइप होते हैं, होता है फर्स्ट होता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और सेकेंड क्या होता है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा क्या है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट क्या हो जा रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसको बोलेंगे रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और अगर किसी फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। मीन्स अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करा तो ऑफकोर्स डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। फिर से सुन लो, अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट उसका फंक्शनल वैल्यू कुछ और ही आ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस जगह पे, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और नॉन रिमूवेबल में क्या हो जाएगा, उसके लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक लाइन में लिखता हूँ, लिमिट्स एग्जिस्ट बट फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप में क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
अब पहला आता है यहाँ पे, जैसे दो चीज़ आता है इस जगह पे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा बट क्या बोलेंगे ऑफकोर्स डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है। क्या क्या केस बन सकता है देखते हैं, अब समझो इस जगह पे। जैसे मतलब ऐसा होता, सपोज ऐसा रहा, एक ये रहा, एक केस बन सकता है ठीक है। और क्या हो सकता है जैसे बोला किस तरीके का, ठीक है ना, ये रहा सपोज यहाँ पे क्या है x इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे क्या है ऑफकोर्स x इक्वल टू अल्फा, इस जगह पे क्या आ रहा है बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है गामा, सपोज ये आ रहा है गामा ठीक है। अब क्या हो जाएगा इस जगह पे, अब x इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है ठीक है, तो x इक्वल टू अल्फा में क्या हो जा रहा है, तुम देखो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, LHL निकालो तो अल्फा आ जाएगा, सॉरी गामा आ जाएगा, RHL निकालो तो भी गामा आ जाएगा, बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं थी। यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा इज नॉट डिफाइन ठीक है। ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ही नहीं है ठीक है। अगर तुम एफ अल्फा पुट करोगे तो डिफाइन ही नहीं होगा ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है LHL गामा हो जा रहा है, RHL भी गामा हो जा रहा है, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। कैसे बोले, क्या बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ठीक है। क्या हो गया, लिमिट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, इसमें क्या हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शनल वैल्यू अनइक्वल हो गया, मीन्स इक्वल नहीं हो गया ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग पॉइंट, मिसिंग टाइप ऑफ मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी बोल सकते ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोल सकते हो ठीक है, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसे क्या बोलेंगे आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। उसमें क्या हो रहा है आइसोलेटेड टाइप में फंक्शनल वैल्यू अनइक्वल हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू से, मिसिंग पॉइंट में ऑफकोर्स मिस मतलब पॉइंट ही नहीं है, क्या बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक है। अब आते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसमें क्या हो जाएगा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने क्या क्या चांसेस हो सकता है, जैसे ये तुम बोल सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ सबको एग्जाम्पल लेता हूँ, ये तो ऑसिलेटरी टाइप से, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका बोलने मतलब क्या, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोलने मतलब क्या हुआ, जो फ्लैक्चुएट करेगा ठीक, मीन्स एग्जैक्ट हम लोग निकाल ले पाए, इससे एग्जाम्पल भी लेता हूँ, सपोज ऐसा रहा साइन वन बाई एक्स रहा ठीक। अब साइन वन बाई एक्स रहा, ऑफकोर्स अब इसमें किसी ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, साइन एक्स ग्राफ सबको पता है ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, मान ली इस जगह पे यहाँ पे क्या है सपोज यहाँ प्लस वन, इस जगह पे माइनस वन है, तो ग्राफ कैसा होगा, जैसे मान लिया ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है ठीक है, सिकुड़ता जाएगा लास्ट में, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा मान लिया ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, समझ रहे हो, मीन्स क्या हो जाएगा, तुम ये देखो कि अगर x मेरे जीरो की तरफ जाएगा ठीक है, तो कंप्लीट आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा, अगर तुम उधर से प्लस 0.0001 की तरफ से चलोगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ठीक है, और साइन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा मीन्स माइनस वन से लेकर प्लस वन से फ्लैक्चुएट करते रहेगा, क्योंकि साइन का कंप्लीट वैल्यू माइनस वन और वन से ज़्यादा माइनस वन से कम तो नहीं हो सकता है, तो आपको जितना नजदीक जाओगे उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा ठीक है, मीन्स यहाँ तक तुम जीरो तक पहुँच ही नहीं पाओगे एक तरह से ये बोल सकते हो, और अगर तुम माइनस 0.001 लेते हो एक तरह से तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलना चलने की कोशिश मतलब जाना स्टार्ट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट इसका, तो मीन्स होता है कि जैसे तुम सोचो कि 2π के इंटरवल में भी एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कितना बार फ्लैक्चुएट कर जाएगा ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन जो होता है ना एक तरह से उसको क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है दूसरा जिसको मैं बोल सकता हूँ फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी,
इसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स फाइनाइट दैट मीन्स मीन्स फाइनाइट मीन्स ठीक ऐसा कुछ जाएगा, देखो इनफाइनाइट कर लो पहले ज़्यादा बेटर है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा देखो, जैसे मैं बोलता हूँ सपोज कैसा हो जाएगा, मीन्स ऑफकोर्स इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, समझ में आ रहा सबको, मतलब ऐसा कुछ है ठीक, एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे, या ऐसा हो जाए ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू अल्फा पे ठीक है। तो इस तरीके मीन्स तुम ये सोचोगे अगर उसका अगर इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस तो ही है ठीक है। तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है। इसका एलएचएल देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका आरएचएल सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो एक्स आरएचएल ए है और फंक्शनल वैल्यू भी ए है, बट एलएचएल इसका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका एलएचएल भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आरएचएल भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब तुम दोनों देखो कि ना इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट ही किसी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में। इसमें कैटेगरी बांट रहा हूँ, फर्स्ट क्या तो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा क्या होगा इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और ऑफ कोर्स एक लास्ट बचता है वो क्या हो जाएगा फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट क्या हो गया फाइनाइट, क्या बोलेंगे फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जैसे ऐसा लिमिट एलएचएल भी एग्जिस्ट करेगा, आरएचएल भी एग्जिस्ट करेगा, इस वाला ऐसा दे रहेगा ठीक है एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे, सपोज यहाँ पे ए आ गया, सपोज यहाँ पे बी आ गया ठीक है, तो ए और इसका एलएचएल कितना आ रहा है बी, आरएचएल क्या हो रहा है ए, मीन्स लिमिट मीन्स क्या बोले मैंने बोला इसमें इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, मीन्स इसका एलएचएल कुछ और आ गया, आरएचएल कुछ और आ गया ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है। मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी ऐसा टर्म नहीं आएगा बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स एक भी पार्ट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और क्या ध्यान देना, एक चीज़ एक आता है जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी टर्म का यूज आता है ठीक है, क्या बोलते हैं जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कुछ नहीं, अब जो जंप मीन्स क्या बोले यहाँ से लेकर ये डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है, मीन्स ऑफकोर्स इसका एल एच एल कितना आ गया बी आ गया, मीन्स बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ एल एच एल माइनस आर एच एल ठीक है। इसका जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा ऑफकोर्स बी माइनस ए ठीक है, जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ठीक है, उसको क्या बोलेंगे जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये मेरा क्या था टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है। टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी दो टाइप का होता है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या था लिमिट एग्जिस्ट करेगा ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो दोनों है ठीक है, इसमें क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है। तो ऑफकोर्स एल एच एल आर एच एल इसमें दोनों में सेम होगा, तो एल एच एल आर एच एल सेम है, बट इसमें फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसमें फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है बट अनइक्वल है लिमिटिंग वैल्यू से ठीक है। तो जिसमें क्या बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है उसको क्या बोलते हैं मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मिसिंग टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोल सकते हो ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है, इसको मिसिंग टाइप कर लो पॉइंट की जगह पे, मिसिंग टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आता, लिमिट एग्जिस्ट करता है ठीक है। फिर आता नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है बट इसमें क्या होता है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या क्या चांसेस होता है, एक तो ऑसिलेटरी जो फ्लक्चुएट करता था, दूसरा इनफाइनाइट ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाता तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तीसरा एल एच एल कुछ और आ गया आर एच एल कुछ और आ गया तो उसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। एक टर्म छोटा सा है जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है ये लेंथ ये डिस्टेंस मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा बस बट एल एच एल और आर एच एल के बीच में कितना गैपिंग है उसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा।